में 5 बार प्रतिदिन ये रिपीट करना पड़ता है जिससे उसके कोई शक नहीं करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। दूंगा उस आदमी ने देश को बेचने का काम किया, ये लोगों में जाकर के गांव ढाणी खेत कल्याण वार्ड में हमको बतानी पड़ेगी बात। समझ रहे हैं ना बात को, किस प्रकार से एक बहुत ही दुस्साहस के साथ में पूरे देश के लोगों के साथ में उनके हितों के साथ में कुटाराघात करके और एक व्यक्ति विशेष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने चुनावी फंडिंग के लिए इन्होंने किस प्रकार से बेजा फायदा देकर के देश के लोगों के साथ में धोखा किया है, ये बात हमको सबको गांव ढाणी खेत खलियान में बतानी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब देश के पार्लियामेंट में राज्यसभा में राहुल गांधी जी हमारे नेता और खड़गे साहब ने और तमाम एमपी साहिबान ने प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जब उनसे मांग की तो देश के प्रधानमंत्री ने जब उनका उद्बोधन था 2-2.5 घंटे पता नहीं कितने बोले होंगे, एक शब्द इस अडानी घोटाले के बारे में नहीं बोला, एक शब्द किस प्रकार से एसबीआई बैंक करप्ट होने की ओर जा रहा है उसके बारे में नहीं बोला, और एक शब्द जो इनको एयरपोर्ट दिए गए, विदेशों में इनको जिस प्रकार से काम दिलाया गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। ये अडानी घोटाला क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा उद्योगपति कैसे बना, अचानक रातों रात कैसे हो गया, इन सब का केवल और केवल एक जवाब जेपीसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का एक जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब शासन रहा तो पीछे ले जाने का काम किया। आप बताओ अगर देश में कांग्रेस का शासन था वो पीछे ले जाते तो एलआईसी प्रॉफिट में कैसे आती और उसका जो पैसा है देश की जनता का और उनका जो प्रॉफिट है वो अडानी के बिजनेस में काम कैसे आता है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक करने का काम हमारी पार्टी ने किया, वरना तो गरीब को कोई 1 रुपए का लोन नहीं देता, सेठ साहूकारों के पास में ये बैंक हुआ करते थे। तो हमारे पास में मुद्दे बहुत हैं। अब लोगों के समझ में आने लग गया है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार इसलिए कहता था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अडानी जी और अपने मित्रों को दे दिया जाए। हम देखते हैं गांव में भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन में 5 बार मित्रों में गांव में जहां भी बैठा होता है कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मान के चलते उसका प्रसेप्शन ये होता है कि वो सबसे ज्यादा झूठा है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इसलिए इसको दिन में 5 बार प्रतिदिन ये रिपीट करना पड़ता है जिससे उसके कोई शक नहीं करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने देश के लोगों का कल्याण किया है, ये किया है, कल्याण तो किसानों को 15 महीने खून के आंसू आपने रुलाए, आज व्यापारी परेशान, आप विद्यार्थी परेशान, नौजवान परेशान, आज बेरोजगार परेशान, आज महंगाई के कारण से आम आदमी गरीब परेशान, आपने कर क्या दिया ये बता दीजिए। तो कहने का मतलब लघु लबा एक ही बात है, चाहे जितनी बार इसके बारे में बोल लो, हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि जो घोटाला देश के प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी को फायदा पहुंचा करके किया है उसको गांव गांव ढाणी ढाणी में जहां भी लोग बैठे हैं उनको समझाना पड़ेगा, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दे रखा है, बूथ के बूथ पर जाने का कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों को हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों की उनको उद्देश्यों को लेकर के हमको बात करनी है,
वहां पर हमको हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है उसकी फ्लेक्सिबल योजनाओं का कैसे लोगों को लाभ मिले उसके बारे में बात करनी है, और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो देश के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं उनके हितों के साथ में, और जिस प्रकार अपने परम मित्रों को बेजा फायदा दे रहे हैं, देश के जो लोगों की जमा पूंजी है उसको केवल और एक दो व्यक्तियों के लिए उनके व्यापार बनाने के लिए उपयोग में लाने के लिए वो लोग जो गलत नीति बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बाकी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनकी सच्चाई को उजागर करने का काम भी हमको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में करना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर पधारे हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग इतनी संख्या में सुबह सुबह 9 बजे आ गए। मैं मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो आते हैं और जो यहाँ पर हम लोग सच्चाई की बात करते हैं उसको बराबर सच्चाई की बात यहाँ पर स्टेट में हमारे मीडिया के बंधु उस बात को दिखाते हैं, जनता में जो यहाँ पर बोला गया उसको दिखाते हैं। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रभारी जी जो पंजाब में डिप्टी सीएम रहे हैं, पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राजस्थान की CWC के मेंबर हैं, हमारे प्रभारी हैं, और वो अपनी सच्ची बात कहने के लिए जाने जाते हैं। कट्टर कांग्रेसी है जिनके 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा करती आ रही हैं, हमको उनके विचार सुनने का अवसर मिला है, उसका लाभ हम लोग लेंगे। इसलिए जितने भी मंच के ऊपर नेता बैठे हैं मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः माफी चाहता हूं कि हम सब नहीं बोल पाए, इसलिए आप सब लोग आए, आपने सुना, और सुनने के बाद में जो हमारा एक्शन होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जितनी बातें की हैं यहाँ पर जो जो वक्ता बोला है या आपके पास जो जो सोशल मीडिया से जो जो बातें आ रही हैं वो राजस्थान की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उसको हर व्यक्ति तक बताने की आवश्यकता है। अब लोग सुनने लगे हैं, पहले 5 साल सुनते नहीं थे कि मोदी कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसको सुनते नहीं थे। इन सालों में अब मोदी जी और मोदी जी की गलत नीतियां एक्सपोज हो चुकी हैं, जनता उसको सुनना पसंद करती है कि भाई बात तो सही है, न तो इसको इनने महंगाई कम की, न इसने बेरोजगारों को नौकरियां दी, और उल्टे ये आदमी 700 पूंजीपतियों की सूची में 700 नंबर पे था, ये 2-3 नंबर पे कैसे आ गया, और हमारी LIC और ये जितने भी उपक्रम है इसका पैसा इनको कैसे मिल गया, हमारे जितने अच्छे जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है वो इनके पास कैसे चले गए, और इतनी कंपनियां देश और विदेश में इस अडानी जी को काम कैसे मिल गया, ये क्या जादू हो गया। ये जादू है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और उसकी सरकार के द्वारा इनको गलत रूप से प्रोटेक्शन देकर के देश की जनता की गाड़ी कमाई है उनको दिलाना है प्रत्यक्ष रूप से, और उनसे उनका व्यापार बढ़ा और देश के लोगों की समस्याएं बढ़ी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आदरणीय रंधावा साहब से आग्रह करता हूं कि आप पधारें, अपने विचार रखें, जिससे हम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि MLA साहिबान मंत्री है वो राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों को लेकर के भाग ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।